नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग तीन का पाठ चार सदैव पुरतो निधि चरणम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा यह लिखा हुआ एक गीत है जिसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रीयवादी कवि हैं, मतलब ये जो लेखक हैं वह राष्ट्रवादी कवि हैं, और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है पुरतो, आगे, निधे ही, रखो, गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर, पथी, मार्ग में, पाषाणहा, पत्थर, सुदुष्कर्म, अत्यंत कठिनतापूर्वक, घोरहा, भयानक, जही ही, छोड़ दो, निज निकेतनम, अपना निवास, बिनेव, बिना ही, नगहरोहणम, पर्वत पर चढ़ना, विदेही, करो, अनुरिक्तम, प्रेम, सततम, लगातार, ध्येय स्मरणम, लक्ष्य का स्मरण। और ये देखते हैं, पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधि चरणम। चल चल पुरतो निधि चरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम। इसका अनुवाद है चलो चलो आगे, अपने कदम रखो, सदा ही अपने कदम आगे रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, बिनेब यानम, नगाहरोहणम, बलम स्वकीयम, भवति साधनम, सदैव पुरतो निधि चरणम। अनुवाद है निश्चय ही पर्वत की चोटी को अपना घर मानो। अपना निश्चय है कि हम पर्वत की चोटी को अपना घर मानेंगे, बिना किसी साधन के पर्वत पर चढ़ जाना है। बल ही अपना साधन होता है और सदा ही अपने कदम आगे रखो। पथि पाषाणः, विषमः, प्रखरः, हिंसः, पशवः, परितुः, घोरः, अर्थात रास्ते में ऊबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर होंगे, चारों ओर हिंसक पशुओं ने घेरा होगा। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधि चरणम। यद्यपि वहाँ जाना अत्यंत कठिन है क्योंकि चारों तरफ हिंसक पशु हैं, फिर भी हमें हमेशा अपने कदम आगे ही रखना है। जही ही भीतिम, भज भज शक्तिम, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, अर्थात डर का त्याग करो, शक्ति का स्मरण करो, उसी प्रकार राष्ट्र से प्यार भी करो। कुरु कुरु सततम, ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो और सदा ही अपने कदम आगे रखो। धन्यवाद।